छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम के 9 के तहत तत्काल प्रभाव से प्रधान अध्यापक हसीना बेगम को निलंबित किया। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर जनपद पंचायत के प्राथमिक शाला बांसला में पदस्थ प्रधान अध्यापक हसीना बेगम को जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर निलंबित किया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड भानुप्रतापपुर में नियुक्त किया गया। प्रधान अध्यापक को उक्त कृत्य के लिए निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह के लिए भत्ता देने की पात्रता दी गई। घटना पिछले दिनों बांसला की पहली की बच्ची मध्यान्ह भोजन वितरण के दौरान धक्का मुक्की से गर्म खोलते बेसन की कढ़ी में गिरने से झुलस गई। जहां बता दें कि संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि बच्ची का लगभग 50% से अधिक भाग जल गया, जिससे जिला प्रशासन से बेहतर उपचार कराए जाने की मांग की गई। फिलहाल बच्ची का उपचार राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में जारी है। और इसलिए आप लोग हॉस्पिटल में हैं, बच्ची की क्या घटना वही हुआ है? मतलब स्कूल गई थी, स्कूल जाने के बाद पेपर शायद ख़त्म हो गए, उसके बाद खाना छुट्टी कर दिए, तो खाना खाने के लिए वहाँ गई थी। तो उन लोग रसोई लोग चार जो हैं उसमें से तीन जो नहीं थे वहाँ, अच्छा, वो अकेली एक ही जो था, तो वो मतलब बिठा करके नहीं दिए, मतलब ऐसे ही सभी बच्चों को इकट्ठा करके खड़े करके दे रहे थे। मतलब तीन लड़के को मतलब खाना दिए थे, उसके बाद ये लड़की वो बेसन की कढ़ी थी वो बनाए थे तुरंत तो उसमें गिर गई। फिर उसके बाद क्या की गिरने के बाद? उसके बाद वो जो खाना बना रही थी वो रसोईया जो था वो उसको वहाँ से उठाया और उठा करके ठंडा पानी को फिर डाल दिया उसके शरीर में। तो वहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह पहुंचे थे उस समय? कोई अधिकारी नहीं पहुंचे थे, हाँ टीचर लोग थे। फिर उन लोग क्या किए? उन लोग मतलब गाड़ी में बिठा करके यहाँ हॉस्पिटल लाए, गौतम हॉस्पिटल। अभी क्या स्थिति है बच्ची की? अभी तो वो उतना ही है सर, जो शुरू में था उतना ही है, तकलीफ हो रही है उसको। हाँ इलाज सही नहीं चल रहा है? हाँ, और अब 16 दिन हो गया है मतलब।